नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। चंडीगढ़ में पंजाब सरकार द्वारा कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों के साथ रूबरू होते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि बैठक में किसानों की कर्ज माफी, पंजाब की इंडस्ट्री और अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सब आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग रखी गई सी और ये दूसरी मीटिंग है और ये तीन चार जड़े मसले है और वो भी किसान दे कर्जे नू लेके और खास करके जड़ा आड़ती दे लैंडिंग है उदे च की तरमीमा हो सकती हैं कि ये एक पहलू है कि एक तो किसान कर्जे थले है और अगे तो किसान ते कर्जा ना चढ़े, मजीद कर्जा ना होवे तो ये की असी रोकथाम ला सकते हैं। और सब तो पहला तो यही है कि जड़ा ब्याज है एक कार्डती किन्ना ब्याज दे सकता है कि गवर्नमेंट इनू रेगुलेट करनी चाहती कि ये सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए या किन्ना होना चाहिए। दूजा यह है कि जे किसान ने दुगने पैसे भर दते गए तो कि उन्होंने डीम्ड डिस्चार्ज मनिया जाए कि नहीं। तीसरा मसला ये भी सी कि मनी लैंडिंग एक्ट जड़ा है उहदे च कोई तरमीम। सो ये सारिया गल्लां ते और बेसिकली एक किसान अपनी जमीन पर किन्ना कर्जा ले सकता है, एक एकड़ पर 40,000 ले सकता है, 50,000 ले सकता है, फसल का हिसाब हो जाए कि गन्ने की फसल चाहे की बचत है उस हिसाब न। सो ये सारा जड़ा है ये सरकार दे जेरे गौर है और कोई ना कोई हल निकलना चाहिए जिदे विच कि किसान का भी अल्टीमेट फायदा होवे ते आड़ती का भी फायदा होवे क्योंकि आड़ती दे पैसे ना डुबण। सो इस ते अज मीटिंग है और अगली मीटिंग जी है वह 12 सितंबर की रखी गई है और ये 12 सितंबर तो बाद जी कैबिनेट की अगली मीटिंग आएगी उहदे च ये रिपोर्ट जी है पेश की जाएगी। गुरदासपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी के चलते चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान और उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। इस दौरान आप लीडरशिप ने पंजाब भर के वर्करों के साथ बैठक कर पार्टी के ढांचे और चुनाव की रणनीति तैयार की। असी परसों गुरदासपुर मीटिंग करके इलेक्शन के लिए इलेक्शन जी लीडरशिप है लेवल तो निकल के तैयार होके आवे। पंजाब में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश भर में अब तक स्वाइन फ्लू से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 84 संदिग्ध मरीज और सामने आए हैं, जिनमें से 29 मरीजों को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लुधियाना जिला के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश भगत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वाइन फ्लू से बचाव करने संबंधी विशेष जागरूकता मुहिम चलाई गई है, जिससे लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाया जा सके। आपको बता दें कि पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू का एक मरीज सामने आया है। स्वाइन फ्लू जो है, मैं पहले लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि स्वाइन फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, कि लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आम जुकाम खांसी और बुखार होता है, ये इसी तरह का एक फीवर होता है और ये बीमारी है जिसकी वजह से जो है, जिसको हम लोग स्वाइन फ्लू कह सकते हैं कि इसको स्वाइन फ्लू हो सकता है। कोई भी जो है जुकाम जो खांसी है या जिसको बुखार है वो स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता, तो इसलिए ये लोगों को मैं ये एक अवेयर करना चाहता हूँ कि इसको कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादा लोगों को मैं यही एडवाइज़ या करूँगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए और कम से कम जो लोग शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जिनको इन्फेक्शन है उनके साथ ज़्यादा ना करिए। 1 मीटर की जो दूरी है वो बना के रखिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे जुकाम है, खांसी है या बुखार है, वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें और अपने मुँह पर रुमाल या कोई मास्क वगैरह बांध के वो भीड़ में जाएं। तो लुधियाना के अभी जो नंबर ऑफ़ केसेस तो बढ़े हैं, जो पीछे फिगर आई है मेरे पास जो जनवरी से लेकर अब तक मेरे पास लुधियाना के 84 केसेस जो सस्पेक्टेड केस थे जिनको टेस्ट किया गया है, उसमें से 29 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं लुधियाना के, सिर्फ लुधियाना के, और जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि ये 8 लोगों की मौत तो एक इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न के जैसे मौत ज़्यादा जिन लोगों को ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिलता या थोड़ा सा केस बिगड़ जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है।
ग्वालियर से पकड़े गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के तीनों आतंकियों को अजनाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां गीता कुमारी की अदालत ने तीनों आतंकियों को जेल भेज दिया है। जिक्र योग है कि अमृतसर एसटीएफ द्वारा ग्वालियर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इन तीनों आतंकियों को गिरफ्तार कर अमृतसर लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से इनका पहले 4 दिन और फिर 2 दिन का रिमांड हासिल कर पूछताछ की। पंजाब सरकार की तरफ से बरगाड़ी में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और बाद में हुए गोलीकांड की जांच के लिए बनाए गए जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ने बहबिल कला, बरगाड़ी और बुर्ज जवाहर सिंह वाला में घटनास्थलों का जायजा लिया और पीड़ित व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। तकरीबन 6:15 का सवेर का टाइम सी 14 तरीक का, क्योंकि पहला 12 तरीक जो बैठे धरने पर जाके 13 सवेरे 3 बजे चक लिया, जिसे एस एस पी सुखमंदर मान ते डी आई जी चाल उस वे 2 ही अफसर उत्थे बड़े मौजूद सन जो उन्होंने चक्या गा सवेर के वेले। उस तो बाद असी 13 उत्थे बैठे रहे हैं, रात सारी लंघी है, रात को काफ़ी हालात बनते रहे, ऑफिसर भी आते रहे, जिन्हें ऑफिसर मेरे जे मेन नाम भी जिमें रणवीर सिंह खटड़ा और उमरा नंगल परमराज सिंह उमरा नंगल वह भी आए ने रात को, तो चाल साहब उतों मौजूदा डी आई जी सारे रहे ने रात को तकरीबन गलबात करते रहे आते जाते रहे ने गे। पर जो सवेर होंगी आ उदो असी उस वेले बैठे सन कोले बिल्कुल ही कुछ छक रहे सन, चलो सिंघा ने प्रसाद के रूप से उत्थे बरता रहे थे, मेरे नाल भाई रणजीत सिंह ये भी बैठे थे, तो रुपिंदर सिंह भी उत्थे बैठा साढ़े कोल, असी सारे उत्थे बैठे सां उस वेले। जो ये चलिया सब तो पहला चरणजीत सिंह एक हासे के रूप में आ रहा है, बिल्कुल हसदा जिदा लगता ना महसूस हों बंदा हस रहा हो, हसदा हसदा आया उन्हें आ इधरली बांह फड़ी है पर पंथप्रीत सिंह की उठाने वास्ते, तो उन्हें पर पंथप्रीत सिंह उठन की बजाय इदा डिग पे ने उत्ते, उन्होंने काफ़ी बंदे डिग पे, असं उत्थे खड़े से उद्दू बछाड़ा बजिया पानी दियाँ उन्होंने उठाने वास्ते, तो पानी साढ़े ते भी पिया, फोन में भी पानी पै गया। उदू बाद सारे उत्थे हफड़ा दफड़ी मच गई कोई कोई बंदा किधर नूं, क्योंकि कुछ सिंघां दा भी दबाव बनया उत्थे, चलो जो बंदा पहला बाहर ही पुलिस ने किया फिर सिंघां ने भी दबाव तो बनाना ही सियाबदा, जो सिंघां ने दबाव बनाया तो उत्थे उन्होंने छड के पंथप्रीत सिंह वर्गियां नूं सारे छड के पुलिस भज ली एक बार, कुछ बंदे जिहड़े उत्थे डिग पए ने उन्हां दे सट्टां भी वज्जियां, जां पुलिस ने फिर देखिया नहीं गा जे कोई साधन आ गया साधन नूं कुट्टण लग गए, तो असीं मुक्तसर साइड तो इधरली साइड नूं आ गए। जो सवेर वेले गोली चलती उदो सारा तकरीबन जिन्ने वड्डे ऑफिसर ने जिन्ने जिलों के एस एस पी ने सारिया के टैली एजेंसी ने जिन्हें सारे उत्थे मौजूद सन इन्हां ऑफिसरां नूं सारी गल दा पता हैगा। पठानकोट के गांव पंगोली में शौर्य चक्र विजेता शहीद कर्नल जयदीप सिंह सलारिया का 15वां श्रद्धांजलि समारोह लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस समारोह में शहीद की यूनिट 6 डोगरा के कमांडेड अफसर कर्नल अजय पंडित और शहीद की पत्नी डॉक्टर अनुराधा राजपूत बतौर मेहमान शामिल हुए। आज शौर्य चक्र विजेता शहीद कर्नल कमर जयदीप सिंह सलारिया का आज 15वां श्रद्धांजलि समारोह गांव पंगोली में उनकी याद में बने स्मारक पर भारतीय सेना की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें सेना के विभिन्न अधिकारियों ने उस शहीद की शहादत को नमन कर उनके गौरव का व्याख्यान किया, उनकी बहादुरी का व्याख्यान किया और साथ ही शहीद कर्नल केजे सिंह के परिवार को ये अश्योर किया कि इस दुखी घड़ी में भारतीय सेना उनके साथ है। शहीद कर्नल जयदीप सिंह शहीदांति भेंट करना है, तो सा बड़ी मान की गल है कि साढ़े अजय भी साढ़े आर्मी मैन है एक वे अपनी जान देंगे ने, सब तो घट्ट है जो आप कर सकते हैं उन्होंने याद करना शहीदांति भेंट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक रह दीजिए इजाजत, नमस्कार।